हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में ऑफ योर फेवरेट ट्रैवल पॉडकास्ट। चलो बैग भरो, निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं नील पाटिल और आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर अमोल सलगर है। हाय अमोल, हाउ आर यू? वेलकम टू द पॉडकास्ट। आपके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए। हाय नील, वीणावल के पॉडकास्ट लिस्टनर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी नील। बहुत दिनों से ये हमारा पॉडकास्ट काफी फेमस हो रहा है और आज पार्ट लेने का हिस्सा मिला तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। सबसे पहले तो मेरे बारे में, जैसे आपने पूछा कि आपके बारे में कुछ बताइए, तो बहुत ही बोलते ना, एक सिनेमैटिक करियर है मेरा। छोटे से गाँव से निकला हुआ लड़का मुंबई शहर में आता है और अपना खुद का एक सपना जो होता है वो सपना यहाँ पे सच होता है। बोलते हैं कि मुंबई आपके सपने सच करती है, लेकिन मेरा जो सपना था कि यहाँ पे आके मुंबई में बसना और मेरी फैमिली को यहाँ पे लेके आना, वह सपना मेरा पूरा हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रैवल इंडस्ट्री। पिछले 16 सालों पहले मैंने एक छोटा सा सपना देखा था, एक छोटे से गांव से मैं आता हूँ, सोलापुर से मैं आता हूँ, और वहां से मैंने ये सपना देख के मैं मुंबई में आया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुंबई में आने के बाद आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो दिक्कतें सभी इट्स अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ योर लाइफ। वो पार करने के बाद आज 16 साल का मेरा टूरिज्म इंडस्ट्री का करियर है और इस करियर में आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि तकरीबन 50 कंट्रीज और 5 कॉन्टिनेंट्स मैंने कंप्लीट किए हैं एंड इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा है वीना वर्ल्ड का। और उसी के साथ हमारे सारे जो कलीग्स हैं, हमारी जो एक सिनर्जी है उसी का एक हिस्सा बनना, उसके लिए बहुत मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ। थैंक यू। दैट्स गुड, थैंक यू सो मच अमोल। 50 से ज्यादा कंट्रीज आपकी हुई है एंड एज अ टूर मैनेजर ये जो करियर रहा है, और आप वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर राइट फ्रॉम आवर फाउंडिंग, That is 2013 से हो। मैंने भी आपके साथ बहुत सारी टूर्स की है, मुझे भी अभी भी याद है हम स्विट्जरलैंड में एक वीना वर्ल्ड की स्टूडेंट स्पेशल के साथ गए थे। यू आर द टूर मैनेजर, आई वॉज विथ यू, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। पर आज हम अभी हमारे थीम पे आते हैं। आज हमारा थीम है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हर ट्रैवलर को हमारे हिंदुस्तान या भारत से बाहर जाते वक्त लगती है, और वो है पासपोर्ट। सो अमोल, पासपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये थोड़ा आप बता सकोगे हमें? डेफिनेटली नहीं, जैसे आपने कहा कि मैं तो कहूंगा कि पासपोर्ट इज द गेटवे ऑफ योर इंटरनेशनल टूर। आप जब डोमेस्टिक टूर करते हो तो आपको नॉर्मली एयरलाइन जब आपको टिकट्स वगैरह, आपके बोर्डिंग पास वगैरह रहते हैं, तो आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आईडी चल सकता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल टूर की बात जब आती है तो पहले आपको एक सवाल पूछा जाता है कि डू यू हैव अ पासपोर्ट, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है बिकॉज पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप यू कैनॉट ट्रैवल टू इंटरनेशनल कंट्री। सिर्फ 2-3 कंट्रीज ऐसी है जहां से, हमारी नेबरिंग कंट्री है, जहां पे पहले आधार कार्ड या बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रूफ चलता था, बट वहां पे भी अभी बहुत सारी जगहों पे पासपोर्ट इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। बेसिकली पासपोर्ट जो है आपकी आइडेंटिटी दर्शाता है। ये पासपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है विच प्रूव दैट यू आर अ फॉरनर इन दैट पर्टिकुलर कंट्री जो आप ट्रैवल के लिए जा रहे हो। तो पासपोर्ट का होना बहुत ही जरूरी है फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल अगर आप प्लान कर रहे हो। सो बेसिकली अमोल, फंडा ऐसे है कि अगर पासपोर्ट नहीं है तो मैं इंडिया के बाहर जा नहीं सकता, सिंपल, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके। सो अमोल, अभी बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आधार कार्ड है पर पासपोर्ट नहीं है, और मैंने बहुत सारे हमारे गेस्ट या हमारे ट्रैवलर्स जिन्होंने हमारे साथ इंडिया में बहुत सारी टूर्स की है, उनसे मैंने सुना है कि नील, हम पासपोर्ट क्यों नहीं निकाल रहे, पता है? क्योंकि वो पासपोर्ट बनाने में जो दिक्कतें आती है, जो विजिट्स करने पड़ते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, कंफ्यूजिंग होता है। हमने सुना है कि बहुत बार आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना पड़ेगा, पर अकॉर्डिंग टू मी अमोल, और आप भी शायद अग्री करोगे, पिछले कुछ सालों में ये जो सिस्टम है हमारा इंडियन पासपोर्ट बनाने की, वो सिस्टम बहुत ही सिंपल हुई है, ऐसा आप कहोगे? डेफिनेटली नील, मैं कहूंगा आपने बहुत सही बोला कि पिछले कुछ सालों में ये टोटल प्रोसीजर, एक जमाना हुआ करता था पासपोर्ट निकालना माने एक बहुत ही बड़ी और लेंदी प्रोसीजर हुआ करती और लोग उससे डरते भी थे। अरे पासपोर्ट, अरे नहीं हो सकता यार, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उससे ज्यादा सर डरते थे वो पुलिस वेरिफिकेशन डरते। तो ये सारे जो मिथ है, पिछले मैं तो कहूंगा डाउन द लाइन 10 ईयर्स ये प्रोसीजर बहुत ही चेंज हुई है थैंक्स टू आर सिस्टम, थैंक्स टू आर गवर्नमेंट। जो डिजिटल इंडिया का सपना है वो सपना इसमें भी, यानी कि पासपोर्ट सेवा की जो वेबसाइट है बहुत ही यूजर फ्रेंडली अभी बनाई गई,
जैसे मैं बोलूं कि अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे नॉर्मली यस प्रोसेस होती है। प्लीज प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये इसलिए तो हमारे लिसनर्स आज हमारे एपिसोड को सुन रहे हैं। बेसिकली जैसे कि बहुत सारे लोगों को फ्रेश पासपोर्ट, ये मैं फ्रेश पासपोर्ट की प्रोसीजर आपको पहले बताऊंगा, फिर बाद में नॉर्मल पासपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि फ्रेश पासपोर्ट आपको निकालना है तो बहुत सारे लोगों को लगता है अरे पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इट्स ऑन सिंगल क्लिक। अभी जो है वो सिंगल क्लिक को सिर्फ आपको पासपोर्ट सेवा की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है। उसके लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट लगते हैं उसकी एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मली आपका जो न्यू पासपोर्ट निकालना है उसके लिए आपको दो पासपोर्ट साइज फोटो लगते हैं। ये फोटो आपके पासपोर्ट पे नहीं आएंगे बट आपको वो साथ में लेके जाने पड़ते हैं। आपका लाइट बिल या गैस बिल आपको साथ में लेना है। उसके बाद आपका रेशन कार्ड का जेरोक्स रहेगा तो वो साथ में रखना है। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हो तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको साथ में रखना है। सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी का लेटर आपको लगेगा। एनी नेशनलाइज बैंक, कोई भी नेशनलाइज आपकी बैंक है उसका बैंक स्टेटमेंट, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको जरूरी है, और उसके साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर आपका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। और उसके बाद पासपोर्ट के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है कि आपको अपॉइंटमेंट इस डेट की अपॉइंटमेंट मिलती है। वहां पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ वन फोटोकॉपी एक सेट आपको लेके जाना पड़ता है। वो वेरीफाई किया जाता है, वहां पे आपकी फोटो खींची जाती है। ये सब पूरा जो प्रोसीजर है आधे घंटे का, जब आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो आधे घंटे का प्रोसीजर होता है। तो वो कंप्लीट होने के बाद आपको 3 दिन के अंदर, अगर आपने SMS सुविधा लेते हो आप तो 3 दिन के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन का SMS आ जाता है। सिर्फ आपको जो आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पे जाके आपको आपका एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ID साथ में लेके जाना पड़ता है और दो फोटोज लेके जानी पड़ती है। वहां पे एक सिंपल फॉर्म रहता है, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है, वो वेरिफिकेशन हो जाता है और अगले 7 दिन के अंदर आपको वापस मैसेज आता है कि योर पासपोर्ट हैज बीन सेंट फॉर प्रिंटिंग। और उसके बाद एक कम से कम 10 से 15 दिन में आपको कुरियर थ्रू पासपोर्ट आपके घर पे मिल जाता है। सो बहुत ही आसान है। पहले 45 दिन लगते थे, 90 दिन लगते थे। ये प्रोसीजर धीरे धीरे करते करते अभी 20 दिनों तक आ गई है ऑलमोस्ट। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है और आपने सारा फॉर्म जो है प्रॉपर तरीके से फिलअप किया है तो देयर इज 100% आपका पासपोर्ट जो है 20 से 25 दिनों में आपके घर पे कुरियर से आ सकता है। Awesome. और फिर अमोल, ये तत्काल पासपोर्ट क्या होता है? तत्काल पासपोर्ट बेसिकली पासपोर्ट के एक सर्विस है। बेसिकली पासपोर्ट में दो सर्विसेज आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको SMS चाहिए, माने पासपोर्ट की क्या प्रोसीजर चल रही है उसका SMS का अलर्ट का भी है, उसके लिए ₹50 आपको चार्ज लगता है। और तत्काल जो पासपोर्ट है, यानी आपको समझो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इमीडिएटली कोई अपॉर्चुनिटी आती है या आपका टूर नजदीक है और आपका पासपोर्ट नहीं है तो आपको तत्काल में पासपोर्ट निकालना है, तो उसकी एक फीस है, पर्टिकुलर फीस है ₹1000 या ₹1500। वो फीस आपको पे करनी पड़ती है और आपका पासपोर्ट विदाउट वेरिफिकेशन पहले आ जाता है और आपका वेरिफिकेशन बाद में होता है। यानी कि जो प्रोसीजर है वैसे वेरिफिकेशन की, उसमें जो टाइम लगता है वो टाइम ना लगते हुए आपका पासपोर्ट जो है 8 दिन के अंदर आपके ऑफिशियल रेसिडेंशियल एड्रेस पे आ जाता है। दैट इज अ तत्काल का सेवा, तत्काल सेवा। ओके, ऑसम। और उसमें जस्ट मैं ऐड करना चाहूंगा कि उसी के साथ एक और एक सर्विस है कि पासपोर्ट के नॉर्मली पेजेस जो रहते हैं वो 32 पेजेस या ये रहते हैं, तो वो भी सेवा जो है, आपको अगर एक्स्ट्रा बुकलेट, एडिशनल बुकलेट चाहिए तो वो भी सर्विस आप उसी इसमें ले सकते हो। ये नॉर्मली ऑप्शन आपको दिखाए जाते हैं कि SMS अलर्ट चाहिए, एक्स्ट्रा बुकलेट चाहिए या तत्काल पासपोर्ट चाहिए, तो वेबसाइट का जो फॉर्म है उस फिलअप करते वक्त ही आपको ये सारी सुविधाओं की जानकारी वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मेंशन किया, SMS सुविधा जो एक अपग्रेड रहती है, थोड़े और पैसे भर के आपको SMS की अपडेट्स आते हैं। मैं हमारे लिसनर्स से कहूंगा कि वो SMS सुविधा प्लीज लीजिए, क्योंकि आपको हर टाइम पता चलता है कि आपका पासपोर्ट किधर है और प्रोसेस कहाँ पर है। और जब भी आपको वो पासपोर्ट डिस्पैच हो जाता है तभी वो जब SMS आता है तभी बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगा था। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप भी वो सुविधा प्लीज अवेल कीजिए। नाउ अमोल, आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया हमें कि वेरिफिकेशन, अभी ये पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है? नील, ये सबसे बोलते ना पासपोर्ट की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे लोगों को जो डरावनी प्रोसीजर लगती है ये पुलिस वेरिफिकेशन होती है। फॉर्म भर दिया, वहां पे अपॉइंटमेंट हो गई, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे, ऐसा बहुत सारे लोगों को डर लगता है, अरे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। इट्स अ वेरी सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है पुलिस वेरिफिकेशन का। बेसिकली जो आपने मोबाइल नंबर दिया है पासपोर्ट के लिए तो वही मोबाइल नंबर पे आपको कॉल आता है। बहुत बार क्या होता है ना कि हम अननोन नंबर्स रिजेक्ट करते हैं, यानी उठाते नहीं, कहीं मीटिंग में होते हैं या कभी ये होते हैं, बट सी टू इट दैट जब भी आप पासपोर्ट का एप्लीकेशन करो तो अगले 7 से 8 दिन आपका हर एक कॉल आपको उठाना है, बिकॉज यू माइट नो कि वो कॉल जो है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको आ सकता है।
अगर आपने वो कॉल उठाया नहीं तो वो अनआंसर्ड इसमें चला जाता है और आपका मे बी पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन है वो टाइम पे हो नहीं पाएगा। तो वो पुलिस वेरिफिकेशन जो प्रोसीजर जो होती है, जैसे मैंने कहा आपको कि आपको पुलिस स्टेशन से कॉल किया जाता है, कभी कभार वो चेक करने के लिए घर पे भी आपके आते हैं कि आपका ये एड्रेस या आपका जो सोसाइटी है ये यहाँ पे आप रहते हो कि नहीं, तो नॉर्मली उसी के लिए वो वेरिफिकेशन होता है। वहां पे जाने के बाद एक फॉर्म फिलअप किया जाता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीजर्स चल रही है क्या, वो चेक किया जाता है। आप जिस एड्रेस पे रह रहे हो, एक साल से ज्यादा उस एड्रेस पे रह रहे हो क्या, वो चेक किया जाता है। उसी के साथ आपकी सोसाइटी की एनओसी जो अटैच होती है वो चेक की जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि नील हम जिस घर में रह रहे हैं वहां पे हमारा परमानेंट एड्रेस वहां पे नहीं रहता, या तो हम किसी के रिलेटिव के पास रहते हैं या कोई रेंट पे रहते हैं, तो उनकी एनओसी वो जो है वो क्रॉस चेक की जाती है वहां पे। तो इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रॉपर होता है। और पुलिस वेरिफिकेशन मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अभी जो प्रोसीजर है 7 दिन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये है, 7 दिन से 15 दिन के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है। पहले इसके लिए 21 दिन लगते थे तकरीबन, तो ये प्रोसीजर भी अभी बहुत फास्ट हो गई है। तो आपका यहाँ से वो पुलिस वेरिफिकेशन जब आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो वहां से वो सीआईडी की तरफ जाता है और वहां से वेरिफिकेशन होकर पासपोर्ट ऑफिस चला जाता है। ये नॉर्मली उसका जो चैनल वाइज प्रोसीजर है इस तरह से होता है। सो बेसिकली जब हम पुलिस वेरिफिकेशन ये दो शब्द सुनते हैं, जो ऐसा डर लगता है वो डर नहीं लगना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली, कुछ डर नहीं, आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है, आपका कुछ ये आप कुछ छुपा नहीं रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। और नॉर्मली कैसा है ना उसमें नील, बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस स्टेशन बोलते हैं ना, पुलिस स्टेशन जाने के लिए बहुत सारे लोग डरते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और सिंपली आपका जस्ट वेरिफिकेशन होता है, 5 मिनट का प्रोसीजर है, वो होने के बाद आपको डायरेक्टली वो SMS भी आ जाता है कि आपके योर पुलिस वेरिफिकेशन हैज बीन डन एंड योर फाइल हैज सेंट बैक टू द योर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। ओके ग्रेट, अभी आते हैं, चलो पासपोर्ट अप्लाई किया, पासपोर्ट मिल भी गया। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जब लोग एयरपोर्ट जाते हैं तभी इमिग्रेशन उनको आगे जाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि इधर उन्होंने पासपोर्ट स्टेपल किया है या पासपोर्ट डैमेज हुआ है। सो हमारा ये जो पासपोर्ट है उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए, कुछ पॉइंटर्स या टिप्स आपके रहेंगे? डेफिनेटली नील, इस अभी पिछले 16 साल के करियर में बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे आए हैं जब मैंने फील किया है कि बहुत सारे लोग अपनी ट्रिप के लिए रेडी हो जाते हैं एंड देन आफ्टरवर्ड सडनली वन मोमेंट पे उनको वो ट्रिप बैकआउट करना पड़ता है, एंड दैट इज द मेन रीजन जस्ट बिकॉज ऑफ पासपोर्ट। अभी आप पूछोगे कि अमोल क्या दिक्कतें आती है, जैसे आपने पूछा कि अमोल क्या पासपोर्ट का ख्याल कैसा रखना चाहिए या उसमें क्या दिक्कतें आती है, तो बेसिकली जब भी आपको पासपोर्ट कुरियर से आता है तो डिलीवरी जो है आपको खुद को लेनी पड़ती है, आपका पैन कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आईडी दिखा के वो आपको डिलीवर कर देते। लेने के बाद में पासपोर्ट जब आपके हाथ में आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है पासपोर्ट पे कुछ चीजें चेक करनी होती है, जैसे कि आपका पूरा नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका इश्यूएंस प्लेस। उसी के साथ जिस भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से आपको पासपोर्ट आया है उसका स्टैंपिंग और उस रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर की साइन उस पासपोर्ट पे है या नहीं देखना चाहिए। उसके बाद आपके पासपोर्ट के पेजेस जो है सीक्वेंसली है कि नहीं, प्रिंट हुए कि नहीं, जैसे 1 to 32 पेजेस जो अगर है तो वो सीक्वेंसली है कि नहीं। कभी कभार ना गलती से प्रिंटिंग में 38 के बाद डायरेक्टली 12 आ जाता है और बाद में फिर आगे वाले पेजेस आ जाते हैं, तो वो जो सीक्वेंस है वो हमको कंपल्सरी चेक करना है। उसी के साथ पासपोर्ट की जो पीछे वाली जो एड्रेस की ये रहती है वो कॉपी हमको चेक करनी है कि आपका एड्रेस प्रॉपर है कि नहीं, आपके मदर नेम, मेडल नेम वो सारे प्रॉपर है कि नहीं। इसी तरह से पूरा पासपोर्ट आपको चेक करना है, उसी के साथ सीरियल नंबर जो पासपोर्ट का है वो चेक करना है। ये सारी चीजें पासपोर्ट में आपको चेक करनी है। ये तो हुआ पासपोर्ट जब आपके घर पे आएगा तब ये चेक करनी। दूसरी बात, जब हम टूर के लिए निकलते हैं तो पासपोर्ट, जैसे मैंने बोला कि दैट इज द गेटवे ऑफ योर टूर, तो इट्स अ टिकट टू योर टूर, तो वो जब बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हमारी जब थाईलैंड की टूर होती है, थाईलैंड इज अ ऑनरल वीजा, तो जब इस टूर के लिए जब लोग निकलते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट में बहुत सारे टाइम लोग घर पे ही पासपोर्ट अपना भूल जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि अरे पासपोर्ट हम भूल गए, बिकॉज नॉर्मली हम बाकी सब टूर के वीजा के लिए हम पासपोर्ट हमारे वीणावल की तरफ सेंड कर किया जाता है, वीणावल से हैंड ओवर किया जाता है, बट थाईलैंड की टूर ऐसी है जहां पे उनके पास ही पासपोर्ट रहता है, बिकॉज ऑनरल वीजा रहने के कारण उनको खुद को पासपोर्ट लेके आना है। तो बहुत बार जब वो मुंबई से रहेंगे तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे पुणे नासिक से जो ट्रैवल करके आते हैं जब पासपोर्ट भूल जाते हैं तो वो फिर उनको वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दैट इज द रीजन कि हर टाइम जब भी आप घर से निकलो इंटरनेशनल टूर के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपके चेकलिस्ट में आनी चाहिए कि डू यू आर कैरिंग योर पासपोर्ट विद द वैलिड वीजा, और अगर ऑनरल वीजा रहेगा तो आपके पासपोर्ट के साथ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो भी आपको साथ में कैरी करने। दूसरी चीज आपने बताई थी कि स्टेपल करना, यहाँ पे मैं एक किस्सा मैं शेयर करना चाहूंगा कि एक किस्सा हुआ था। बेसिकली हमारा यूरोप का टूर था और उनके उनका पासपोर्ट जो है
यूके वीजा करके उनके घर पे डिलीवर हो गया था, कुरियर हुआ था, यानी कि पासपोर्ट उनका आ गया था, उनका वीजा भी लग गया था, सब कुछ हो गया था। जब कुरियर बॉय ने वो पासपोर्ट उनको दिया, हैंड ओवर किया, उन्होंने देखा सारा पूरा सब चेक वगैरह किया, और वो गलती से पासपोर्ट वो वहां पे उनके टेबल पे रख दिया, और वो टेबल पे रखने के बाद उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी वो वहां पे खेल रही थी, और उसने क्रेयॉन से पासपोर्ट के ऊपर अलग अलग ड्रॉइंग्स बना दिए, बट उनको पता नहीं था कि वो उसके अंदर कुछ बनाया है उसने, और वो उन्होंने पासपोर्ट बाद में रख दिया। जब वो एयरपोर्ट पे आए, एयरपोर्ट पे आने के बाद उन्होंने जब चेक इन किया, चेक इन करने के बाद इमिग्रेशन पे यहाँ पे गए, तो वो क्रेयॉन की सारी लाइंस इमिग्रेशन ऑफिसर को देखी, एंड दैट पासपोर्ट हैज कंसिडर्ड एज अ डैमेज पासपोर्ट। सो अनफॉर्चुनेटली उनको वापस वो नया पासपोर्ट उनको वापस बनाना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी कठिनाइयां आती है, कभी कभी लोग इतना भी ख्याल रखते हैं उसका पासपोर्ट का कि उसको बैंक के लॉकर में रख देते हैं, और जब टूर का दिन आता है तब वो सैटरडे संडे होता है और बैंक हॉलीडे रहता है, तो बैंक के लॉकर में से निकालना भी भूल जाते हैं कभी कभार। तो ऐसे भी कभी कभी कठिनाइयां होती है। पासपोर्ट को कभी पंच नहीं करना है, पासपोर्ट को जो भी प्रिंटिंग जो हुआ है उसके अलावा कुछ लिखना नहीं है। बहुत बार उसके ऊपर मोबाइल नंबर लिखा जाता है, या कुछ कोड वर्ड बनाए जाते हैं, या उसको हल्दी कुमकुम भी कभी कभार लगाया जाता है। मैंने कुछ कुछ पासपोर्ट ऐसे भी देखे कि जिसको हल्दी कुमकुम लगाया जाता है। ऑफकोर्स एज ऑस्पिशियस थिंग वो करना ये करते हैं लोग, बट वो सी टू इट दैट उसका डैमेज हो, यानी कि उसका कलर या रंग उसको ना लगे। बहुत बार ऑन टूर भी जैसे होता है कि वो पासपोर्ट कभी कभी हम ऐसी जगह रख देते हैं जहां से सामने वाले को वो पासपोर्ट हाथ में लेने में दिक्कत होती है, सामने वाला हिचकी जाता है। हम ऑन टूर जब फर्स्ट दिन होता है हमारा, तो टूर पे हमेशा हम बोलते हैं कि पासपोर्ट कैसे रखना है। प्लास्टिक की बैग में रैप करके आपको प्रॉपरली हम मीनावल का पाउच हम देते हैं, वो पाउच के अंदर आपको पासपोर्ट रखना है। और पासपोर्ट मैं तो हमेशा ऑन टूर जब जाता हूँ, जब हम सारे टूर मैनेजर एक मंगल सूत्र की तरह उसको गले में हमेशा रखने के लिए बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप जब नहाने जाते हो, बिकॉज देर आर मेनी मिथ्स एंड मेरी स्टोरीज अबाउट द पासपोर्ट इंटरनेशनल जब टूर की बात आती है। बट पासपोर्ट का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे पंच नहीं कीजिएगा, उसको कभी कुछ कलर या कुछ तेल या कुछ ऐसी चीजें नहीं लगनी चाहिए, वो फटना नहीं चाहिए, उसको रबर से या किसी स्टेपल से स्टेपल नहीं करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो उसको ठीक से रखना हमारी जिम्मेदारी है। सो दोस्तों, जैसे अमोल ने कहा, पासपोर्ट का ख्याल रखिए, पर इतना भी ख्याल मत रखिए कि आप जब एयरपोर्ट आ रहे हो तो आप भूल जाते हो पासपोर्ट, या आप किधर पंच कर देते हो या स्टेपल कर देते हो, या कोई तो उनका फोन नंबर लिख देते हैं, और उसके वजह से आपकी ट्रिप, जो ट्रिप एक बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप होने वाली थी, वो शुरू होते होते ही खत्म हो जाती है। सो अमोल, थैंक यू फॉर दैट। अभी मुझे आपसे और एक चीज पूछनी है। चलो, हमने पासपोर्ट तो बना लिया, पर पासपोर्ट पे पहले पेज पे एक एक्सपायरी डेट होती है। जब वो एक्सपायरी डेट पास आती है, जब मेरा जो पासपोर्ट है जो मुझे रिन्यू करना है, वो प्रोसेस भी सेम होती है या अलग होती है? इट्स मोर ऑर लेस सेम सिंपल प्रोसेस अनिल। जो बेसिकली हम जब पासपोर्ट निकालते हैं या रिन्यू करते हैं, तो प्रोसेस ऑलवेज सेम, बिकॉज वही डॉक्यूमेंट्स आपको वापस लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ बेसिकली जो आपका अपॉइंटमेंट और बाकी का जो इसका शेड्यूल है वो थोड़ा सा ये हो जाता है। पासपोर्ट जब एक्सपायर हो जाता है तो क्या हमको प्रिकॉशंस लेनी है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है कि छह महीने पहले अगर आपको पता है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, बिकॉज कुछ कंट्रीज ऐसे है कि जब जो वीजा जो है वो 6 मंथ प्रायर आकर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, तो उसके पहले वो वीजा नहीं देते। यानी कि आपका पासपोर्ट अगर आज 1 जनवरी है और आपका पासपोर्ट 1 जून को एक्सपायर हो रहा है, तो आपको वीजा ग्रांट नहीं किया जाता। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी आपको वो पासपोर्ट जो है एक्सपायरी के पहले रिन्यू करना जरूरी है। और सारे जैसे मैंने डॉक्यूमेंट बताया, वही डॉक्यूमेंट आपको वापस ये करने हैं, पुलिस वेरिफिकेशन वापस होगा। एंड नॉर्मली अभी 10 ईयर्स का पासपोर्ट आपको मिलता है, अगर आप इन्फेंट हो या चाइल्ड हो तो 5 साल का पासपोर्ट आपको मिलता है। तो 5 साल का जो है इन्फेंट और चाइल्ड के लिए, एंड देन आफ्टरवर्ड जो एल्डर्स है यानी कि एडल्ट है, उनके लिए 10 साल की नॉर्मली जो वैलिडिटी रहती है पासपोर्ट की वो रहती है। ओके, दैट्स ग्रेट। अभी मैं एक वापस सर्कल बैक करके आता हूँ। तो जब मैं नया पासपोर्ट बना रहा हूँ मेरा, तब मुझे सिर्फ एक ही विजिट करनी है, इज दैट करेक्ट? जी, बेसिकली इसमें मैंने जैसे बताया कि प्रोसीजर इज वेरी सिंपल। पहले आपको जो है पासपोर्ट सेवा के ऊपर आपका लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन पूरा फिलअप करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करना नहीं है। सिर्फ आपको जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपकी बताई कि एक सेट फोटोकॉपी का साथ में कैरी करना है और ओरिजिनल भी कैरी करने हैं। सो सिर्फ सिंपल एक विजिट होती है टू द पासपोर्ट ऑफिस ऑन दैट गिवन डेट, जो शेड्यूल डेट है आपकी, उसकी अपॉइंटमेंट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाइएगा। और वहां पे जाते वक्त जैसे मैंने बोला कि ये सारे सेट, एक सेट ओरिजिनल का और एक सेट फोटोकॉपी, दैट्स अ सिंपल हाफ एन आवर की विजिट होती है। एंड देन आफ्टरवर्ड जो सेकंड विजिट जो होती है वो पुलिस ब्रीफ। दीज आर द टू विजिट्स फॉर द एंटायर, जो इतने बड़ा हैसल आपको लगता है पासपोर्ट निकालना, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस नाउ डेज।
कि आपको आधे घंटे की एक विजिट और पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपके पासपोर्ट, जो सपनों का मैं बोलता हूँ कि एक टिकट आपको मिल जाता है, वो आपके हाथ में रहता है। Awesome, awesome. अमोल, अभी हम हमारे एपिसोड के एंड तक आ रहे हैं, पर मुझे एक चीज जरूर डिस्कस करनी है आपसे। मैं एक शो देखता हूँ, उसका नाम है द बिग फैट इंडियन घोटाला, और वहां पर मैंने पासपोर्ट का एक एपिसोड सुना था। वहां पर पासपोर्ट स्कैम्स के बारे में वो बात कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे सुना है कि पासपोर्ट एजेंट्स नहीं रहेंगे तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, या पासपोर्ट एजेंट्स बहुत बार स्कैम्स कर सकते हैं जिनके कारण हमारे जो ट्रैवलर्स रहते हैं उनको पता ही नहीं रहता है, पर उनसे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। सो इसके बारे में आप कुछ बताओगे कि अगर पासपोर्ट एजेंट्स के थ्रू करना है तो कैसे करना चाहिए, और पासपोर्ट एजेंट्स की जरूरत है या नहीं, और अगर है तो वो किस कारण लग सकती है? डेफिनेटली, ये जैसे मैंने बोला कि आपने भी बताया कि 10 साल पहले तक ये पूरा जो है वो प्रोसेस बहुत ही कम लोगों को पता था। नाउ डेज इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड एंड एवरी सिंगल क्लिक आप गूगल करते हो तो सारी चीजें आपको पता चलती। तो वैसे ही 10 साल पहले तक आपको पासपोर्ट एजेंट की जरूरत लगती थी, बट अभी नाउ डेज आपकी सारी जानकारी जो है वो एक क्लिक पे आपको मिल जाती है। मैं तो कहूंगा कि अभी आज की तारीख में पासपोर्ट एजेंट की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद ये सारा काम कर सकते हो। बट सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा ध्यान आपको देना जरूरी है और सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको जुटाने होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर प्रॉपर है तो कोई भी किसी भी पासपोर्ट एजेंट की आपको जरूरत नहीं। हाँ, जो लोग काम के सिलसिले में या अपने वर्क वीजा के सिलसिले में जा रहे हैं तो उनके लिए ऑफिशियल कंपनीज है जो उनको गाइड करती है, बट एज अ पासपोर्ट एजेंट, पुराने जमाने में जैसे घपले होते थे या घोटाले होते थे, 5,000 रुपए लेके उनको साल साल तक, मैंने तो सुना है कभी 2 साल तक उनको पासपोर्ट नहीं मिला है। पैसे तो लिए उन्होंने, आज होगा काम कल होगा। अभी तो सिंपल प्रोसेस है, एवरी सिंगल मोमेंट यू कैन ट्रैक फ्रॉम योर सेलफोन कि आपका पासपोर्ट कहाँ पे है, ये पुलिस वेरिफिकेशन को गया है या प्रिंटिंग को गया है, ये सारी चीजें आपको एक सिंगल क्लिक पे पता चलती है। तो आई डोंट थिंक सो कि आज के जमाने में ये पासपोर्ट एजेंट की जरूरत है। हाँ, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो, आपको कुछ डाउट्स हो, तो देर आर डेफिनेटली जो ऑथोराइज पासपोर्ट एजेंट्स है उनके पास कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप, और वो सही जानकारी के लिए, सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हो, यानी कि वो आप बता सकते हैं कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस उतना ही गाइडेंस आप लो, बाकी सारा जो है प्रोसेस आप खुद करोगे तो आपको उतना कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको दूसरे फैमिली मेंबर को भी आप हेल्प कर सकते हो। Awesome, अमोल, बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पासपोर्ट्स के बारे में दी है। दोस्तों, अगर आपको आपका पासपोर्ट बनाना है, अप्लाई करना है या रिन्यू करना है, तो गवर्नमेंट की जो पासपोर्ट सेवा वेबसाइट है, दैट इज passportindia.gov.in, वहां पर आप जाके न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर्स हो तो वहां पर आप एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन भी कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और जैसे अमोल ने हमसे कहा है कि आप आपका एप्लीकेशन भी ट्रैक कर सकते हो। सो अमोल, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन। चलो, बैग भरो, निकल पड़ो। दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग इन। अमोल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम जरूर जल्दी ही मिलेंगे। अगली बार हम एक कौन सी तो आपकी जो 50 कंट्रीज आपने की है उसमें से एक चूज करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू नील, थैंक यू, और सभी वीनावल के पॉडकास्ट लिसनर को मैं कहूंगा, बैग भरो, निकल पड़ो। थैंक यू, चलो बैग भरो, निकल पड़ो एवरीवन। दिस इज नील पाटिल साइनिंग ऑफ। टेक केयर।